अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से एक बार वॉइस रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग कोई मजाक में मत लीजिए, कोई लाइट मत लीजिए। आज रात में 12 बजे अपने आसमान के जो बड़े प्लैनेट है उसका रेडिएशन हमारे घरों से गुजरने वाला है। अपने घर में जो जो चार्जिंग के आइटम हैं सब अपने प्लगों से बाहर निकाल दीजिए, उसको ऑफ कर दीजिए। अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मॉस्किटो मशीन, जो मच्छरों की मशीन आती है ऑल आउट की, वो मॉस्किटो बैट या कोई और अदर आइटम चार्जिंग का जो भी है उसको ऑफ कर दीजिए। टीवी भी बंद कर रहे तो उसका प्लग निकाल लीजिए, फ्रिज का भी प्लग निकाल लीजिए। वो रेडिएशन कितना डेंजर है कोई नहीं जानते। ये रिपोर्ट अमेरिका से नासा से आई हुई है, आप कोई भी मजाक में मत लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खबर व्हाट्सएप पे और दूसरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उस बात को नासा की तरफ मंसूब करते हैं। नासा अमेरिका की एक एजेंसी है, वैज्ञानिक एजेंसी है, साइंसी एजेंसी है। उसके नाम से ये बात कही जाती है कि आज रात 12:30 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक जो है तमाम नौए इंसानी को ख़तरा है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे मोबाइल है, फ्रीज है, कूलर हैं, या जो भी लाइट वगैरह से करेंट से चलता है उसको बंद कर दो। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक उसूल आपको बयान करूं। हदीस में मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल का इरशाद है, कफा बिल मरी कदीबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिया। एक उसूल है, इंसान के झूठे होने के लिए सिर्फ इतने भी काफ़ी है कि वो सुनी हुई बात आगे फॉरवर्ड कर दे। अब किससे सुना, मोतबर आदमी से सुना या ऐसे ही कहीं से सुन लिया और आगे पहुंचा दिया, इसमें ज़रा समझ लीजिए। अगर आप किसी मोतबर आदमी से सुनते हैं जिस पे आपको एतबार है, जो झूठ वूठ बोलता नहीं है, सही खबर पहुँचाता है, उसकी बात पे आप भरोसा करके दूसरों को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आलिम दीन अगर आपको कोई मसले मसाइल हदीस की बात बयान करते हैं, हदीस सुनाते हैं, आप उन्हें दूसरों को भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहां से सुने, किसके पास से सुने, बताने वाला कौन है, कुछ अता पता नहीं, वो खबर सही है या झूठी है उसका कोई इल्म नहीं, यानी सादिक या काजिब, इस पर आप खुद जो है तरद्दुद में है। अगर ऐसी सिचुएशन है और उस बात को आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, याद रखिए शरीयत की नज़र में आप मुजरिम हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप पे कोई भी अनाप शनाप उल्टा सीधा कुछ भी आ जाए, लोग उसे आंख बंद करके शेयर करते हैं। अच्छा, मर जाएंगे, मौत का डर, चलो शेयर करो, रिश्तेदारों को भेजो, भाई को, बहनों को भेजो, इसको भेजो, उसको भेजो, खबर कर दो, रात भर जो है इस मैसेज को वायरल कर दो। ये सब अजीब और गरीब चीजें हैं, कहां से आई, क्या हुआ, कोई अता पता नहीं। हमने नासा का जो गूगल पे उसका ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे मैं खुद चेक कर चुका हूं और दिगर अफरादों को मैंने भी कहा था चेक करने के लिए। न्यूज पे हमने जो है चेक किया, कहीं पर इस बात का कोई अता पता नहीं मिलता है। जो बात वायरल हो रही है कि रात के 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के दरमियान जो इस तरह हादसे हो सकते हैं, कोई इसका अता पता नहीं। फिर उसके बाद कुछ रफीक मेरे दोस्त ऐसे भी हैं, व्हाट्सएप पे मैंने उनसे राबता भी किया, उनसे बातचीत मैंने की, जो साइंस जानने वाले हैं, जिनका इस तरह नासा से तो नहीं है लेकिन दीगर वैज्ञानिक कामों से उनका ताल्लुक होता है, वो इस तरह के मामलात पे चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनसे भी मैंने राबता किया, उनसे भी पूछा कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है क्या, कुछ आप लोगों को खबर है। उन्होंने भी इनकार कर दिया कि मुफ्ती साहब क्या बात कर रही हैं, सब झूठी खबर है, लोग ऐसे ही फैलाते रहते हैं। और ख़ास करके एक साहब ये तो कहने लगे कि ये सब यूट्यूबर जो पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, हराम कमाई के चक्कर में रहते हैं, वो झूठ इस तरह फैला के पैसे कमाना चाहते हैं लोगों को डरा के। और वजह क्या है, मौत, जब आदमी मौत की बात आएगी तो आदमी मौत से डर जाएगा ना, जब मौत की बात आएगी चलो धना आंख बंद करके शेयर करो, सबको भेज दो, और ऐसे ही करके लोग हराम पैसे कमा रहे हैं झूठ बोल के। एक कई मिसालें व्हाट्सएप पे आप अगर देखेंगे, कुछ मैसेज ऐसे भी आते हैं, अगर आप ये मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अब वो पढ़ने वाला डर के मारे 25-30 लोगों को भेज ही देता है, भाई मैं भेज दूं कम से कम बच तो जाऊंगा, मरूंगा नहीं, क्यों, मौत से डर। ये खेल अभी भी यही खेला जा रहा है कि मौत से लोग डर जाएं, इसीलिए मौत का नाम लेकर लोगों से गलत सलत खबरें फैलाई जाएं। इसीलिए कहने का मकसद है,
अगर कभी भी इस तरह का कोई भी मैसेज वगैरह आपके पास आता है या कभी भी कुछ भी पहुंचता है जो व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक या किसी और जरिया, किसी भी जरिया आप तक पहुंचे और उसका कोई इल्म न हो कि पहुंचाने वाला कौन है, सही खबर है गलत खबर है, आप आगे शेयर मत करिए। अगर शेयर करेंगे शरीयत की नजर में आप मुजरिम करार दिए जाएंगे, आप गुनहगार होंगे। इसीलिए ख्याल रखिए, खास करके इन गुनाहों से, छोटे छोटे गुनाहों से बचने की कोशिश करिए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। और आखिर में यही कहना चाहूंगा, जो नासा के नाम से बात कही जाती है ये सरासर झूठ है, अफवाह है, लोगों को डराया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई हरकत नहीं होने वाली है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें। और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।